देखिए, इसमें नाला सफाई के लिए हमने इसकी कार्य योजना दो तरीके से बनाई थी शासनादेश के अनुसार। एक एक फीट से कम गहराई वाले जो छोटी नालियाँ या नाले हम कहते हैं जिनकी गहराई कम होती है, उसको स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया गया था। 189 ऐसे नालियाँ नाले चिन्हित हुए थे, उसमें से 172 की सफाई कम्प्लीट हो चुकी है, अगले 2 दिन में हम पूरे करा लेंगे। इसके अलावा 78 हमारे यहाँ ऐसे बड़े नाले हैं या जिनको मझोले नाले कहते हैं, बड़े नाले हैं जिनमें चॉकिंग है रही थी या कुछ सिल्ट की शिकायत थी, इसमें से 60 हमारे लगभग पूरे हो गए हैं, अगले 2 दिन में बाकी 18 भी हम पूरे करा लेंगे, और साथ ही साथ सिल्ट की सफाई का उठान भी चल रहा है। इसके लिए कोई विशेष प्लान भी बनाया गया क्योंकि बनारस हमेशा बरसात के पहले किया जाता है, फिर भी समस्याएं बनी? नहीं, इस बार हमने कुछ जैसे हमारे चौक पॉइंट थे, अंदरा पुल के आसपास रहता है और रनिया महल का नाला है, और एक दो ऐसे चौक पॉइंट थे उन्होंने पहले ही चिन्हित करके, वो रेलवे के अंडर आता, मैं रेलवे से बात करके हमने उनकी सिल्ट सफाई कराई, क्योंकि वो हमेशा पहले कभी नहीं हुआ था, पिछले साल भी मैं यहाँ था जब जस्ट ज्वाइन किया था, तो इस बार हमारे कुछ नालों में हमने सफाई अन्य विभागों के साथ समन्वय बिठाते हुए जहाँ कई बार इशू आते थे वो सफाई करा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी थोड़ा हेल्प करेगा, तो इस बार शायद वो वाटर लॉगिंग की समस्याएँ नहीं आएंगी। कितने बजट का प्रावधान किया गया है इसमें अभी तक? देखिए, इसमें बजट का प्रावधान ऐसा सच कुछ नहीं है, इसमें बजट का प्रावधान ऐसा है कि हम नगर निधि से पैसा देते हैं शासन, तो इसमें जितना हमारा खर्चा आता है उस हिसाब से खर्चा करते हैं, इसमें कोई फिक्स बजट नहीं है, क्योंकि जन सहयोग से है, यदि इसमें ज़्यादा भी पैसा लगता है तो ज़्यादा पैसा भी खर्च किया जाता है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।